ये शुरू करते हैं अपना तीसरा चैप्टर, जिसमें चल रहा है घनमूल और हमारी एक्सरसाइज चल रही है दक्षता। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन कौन सा है? सातवां क्वेश्चन है। तो सातवां हमारा क्वेश्चन क्या है? वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9,63,144 में भाग देने पर भागफल जो है पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हमारा आंसर क्या है? हमारे पास क्या है? 9,00,000। शुरू करते हैं अपनी क्लास। हमारा है तीसरा चैप्टर चल रहा है, जिसका घनमूल चैप्टर का नाम है और दक्षता चल रही है, और क्वेश्चन हमारा सातवां है। तो चलिए, हमारा क्वेश्चन जो है वो ये है, वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 9,63,144 में भाग देने पर भागफल जो है पूर्ण घन बन जाए। तो हमारे पास संख्या क्या है? 9 ऊपर से लिखते हैं, ठीक है, 9,63,144। ठीक है, ये मैंने आपको होमवर्क में ये दिया था वर्गमूल निकालने के लिए। बहुत कम बच्चों का जवाब आया है, आप लोग बड़ा देख के डर मत जाया करिए, आंसर जो है आंसर देने की कोशिश किया करिए। ठीक है, तो आइए मैं आपको बता देती हूँ तुम्हारा क्या होगा। 2 से करते हैं, तो 2 चक्कू 8, 1 5 2 8 16, 2 1 2 1 5, तो 5 10, 1 5 2 7 14 और 2 2 4। ठीक है, फिर 2 से करते हैं, 2 2 4, 2 चक्कू 8 और कुछ नहीं बचा, 2 0 उतारा क्योंकि 1 तो जाएगा नहीं 2 से, तो 2 7 14, 1 5 और 2 8 16, 1 5 2 6 12। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम किससे करते हैं? फिर 2 से करते हैं, 2 1 2, 2 2 4, 0 उतारा, 2 3 6 और 2 8 18, 2 3 6। अब हम किससे करते हैं? 3 से करके देखें, 3 से चला जाएगा, 2 चक्कू 3 चक्कू 12, 0 3 1 3, 3 3 9, 3 1 3। ठीक है, अब हम किससे करते हैं? फिर 3 से करते हैं, फिर 3 से जब हम करेंगे तो हमारा कितनी बार में जाएगा? 3 1 3, 3 3 9, 1 5 3 3 9, 2 5 3 7 21, 3 7 21। फिर हम 3 से करते हैं, 3 चक्कू 12, 1 5 3 चक्कू 12, 1 5 तो 3 5 15, 3 9 27। ठीक है, अब हमारा 3 से जाएगा, ये 3 से नहीं जाएगा। अब हम 7 से करके देखते हैं, 7 1 7, 7 2 14, 7 6 42, 2 5 7 21, 4 5 7 7 49। ठीक है, फिर 7 से करते हैं, ठीक है, 7 9 63, 7 1 7। फिर हम इससे 7 से करते हैं, 7 1 7, 7 3 21, 7 7, 7 साइज सही है। फिर हम 13 से करते हैं, 13 1 13, तो मतलब हमारा इतना आया है। ठीक है, इस तरीके से आया है। किसका त्रिक बना है? 2 का त्रिक बन गया है, 3 का त्रिक बन गया है, 7 का त्रिक बन गया है, 13 का त्रिक जो है वो नहीं बना है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? अब हमारे पास नीचे जगह तो है, हम लिख सकते हैं। तो हमारा था 9,63,144 था। ठीक है, इसको हमने लिख लिया, 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 7 × 7 × 7 × 13। ठीक है, ये 2 हुआ, ये 3 का त्रिक हुआ, ये 7 का त्रिक हुआ, और इसका त्रिक बना नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि किससे भाग दें कि भागफल जो है पूर्ण घन बन जाए। तो हम किससे भाग देंगे? हमारा जो 13 जो एक्स्ट्रा है इसी से भाग देंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पर 13 का त्रिक नहीं बना, 13 का त्रिक नहीं बना है। ठीक है, 13 का त्रिक नहीं बना, इसलिए हमें 13 दी गई संख्या में 13 से भाग करना होगा। ठीक है, 13 से भाग करना होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगी? वह छोटी से छोटी संख्या हमारी कौन सी हो जाएगी?
13 हो जाएगी, और 13 ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 13 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन जो है वो लग जाएगा। ठीक है, आप देख लीजिए। तो चलिए अब अपना हम आठवां क्वेश्चन करते हैं। आठवां हमारा क्वेश्चन कौन सा है, ये बिगाड़ देते हैं, उम्मीद है आपने देख लिया होगा। ठीक है, मैंने थोड़ी देर में रुक गई थी, आपने देख तो लिया ही होगा। पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या बैक करके देख लीजिए। ठीक है, अब हम कौन सा क्वेश्चन करते हैं, हम अपना आठवां क्वेश्चन करते हैं। कौन सा क्वेश्चन करते हैं, आठवां क्वेश्चन करते हैं। तो आठवां क्वेश्चन क्या है, 26,244 में किस छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या का गुणा करें कि गुणनफल जो है क्या हो जाए, गुणनफल जो है पूर्ण घन बन जाए। ठीक है, तो हमारी संख्या क्या है, 2, 6, 2, 4, 4 ये संख्या है। अब हमें इसका क्या करना होगा, लासा निकालना होगा। तो चलिए इसका लासा निकालते हैं, 2 से करते हैं, 2 × 2 = 2, 2 × 6 = 6, 2 × 2 = 2, 2 × 4 = 2, 2 × 4 = 2। फिर हम किसे करते हैं, 2 से करते हैं, 2 × 6 = 12 और हमारा कितना बचा, हमारा बचा है यहाँ पे 1 बचा है, तो 5 × 10, 2 × 6 = 12, 2 × 2। फिर हम किससे करते हैं, ठीक है, 2 × 6 = 12, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 2, ये हुआ। अब हम किससे करते हैं, 3 से करते हैं, 3 × 2 = 6 और 0, 3 × 3, 2 बचा, 3 × 8 = 24, 3 × 7 = 21। फिर हम 3 से करते हैं, 3 × 7 = 21 और 3 × 2 = 6, 3 × 9 = 27। अब हम किससे करते हैं, फिर 3 से करते हैं, 3 × 6 और 1 बचा, 3 × 12, 3 × 3 = 9। फिर हम किससे करते हैं, फिर 3 से करते हैं, ठीक है, फिर हम जब 3 से करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 3 × 8 = 24, 3 × 1 = 3। फिर हम 3 से करते हैं, 3 × 2 = 6, 3 × 7 = 21। फिर हम 3 से करते हैं, 3 × 9 = 27। फिर हम 3 से करते हैं, फिर 3 × 3 = 9। फिर हम 3 से करते हैं, 3 × 1 = 3। इस तरीके से हमारा ये जो है आ गया। तो किसका त्रिक बना है, 2 का त्रिक तो बना नहीं है, 3 का त्रिक बना है, 3 का त्रिक बना है, और इस 3 का त्रिक नहीं बना, इस 2 का त्रिक नहीं बना है। अब ये कह रहे हैं कि गुणा, इसमें क्या दिया गया, गुणा शब्द दिया गया है, गुणनफल शब्द दिया गया है। तो हमें क्या करना होगा, एक हमें गुणा करने के लिए 3 चाहिए, एक गुणा करने के लिए 2 चाहिए, तभी हमारा त्रिक बन पाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखाएंगे, पहले तो हम ये लिख लेते हैं, 26 यहीं पे लिख लेते हैं, 26, 2, 4, 4, इसमें हमारा क्या आया है, 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3, इस तरीके से ये जो है हमारा आ गया। ये त्रिक बना, ये त्रिक बना, और इसका त्रिक नहीं बना, इसका त्रिक नहीं बना। इसके लिए हमें 2 चाहिए, इसके लिए हमें 3 चाहिए। तो मतलब क्या, हम ये हमें लिखना नहीं है, मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पर 2 और 3 का त्रिक नहीं बना, नहीं बना, बना है। अतः त्रिक बनाने के लिए, त्रिक बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, एक त्रिक बनाने के लिए 2 × 3 से गुणा करना होगा। ठीक है, गुणा करना होगा, ठीक है, 2 गुणा करना होगा। तो हमारी वो छोटी से छोटी संख्या क्या आ जाएगी, तो वह छोटी से छोटी संख्या हमारी क्या आ जाएगी, हमारी संख्या आ जाएगी 2 × 3 = 6, हमारा 6 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से 6 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सातवां और आठवां क्वेश्चन जो है वो हमारा लग गया है। उम्मीद है क्लास जो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक कर दीजिएगा। और आपको आज का क्वेश्चन क्या है, आज का क्वेश्चन जो है वो ये है, 729 जो है किसका वर्गमूल है, वर्गमूल नहीं किसका घनमूल है, ये आपको हमारा YouTube का जो कमेंट बॉक्स होता है
ठीक है, जो हमारा कमेंट बॉक्स होता है उसमें आपको कमेंट करना है। अब आपको क्या करना है, अब हमारी गुरु दक्षिणा देनी है। तो गुरु दक्षिणा में आपको क्या करना होता है, गुरु दक्षिणा में आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होता है और शेयर करना होता है। आप लोग लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब भी कर लेते हैं, पर शेयर बहुत कम करते हैं। तो हमारी मेन गुरु दक्षिणा जो है वो शेयर करना है। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा ही मैं मोटिवेट होंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोज़ को शेयर करिए। व्हाट्सएप पर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर कर सकते हैं, फेसबुक पर कर सकते हैं, यूट्यूब पर कर सकते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पर हमारी वीडियोज़ को शेयर कर सकते हैं। और हमारी जो आईडी है मैं आपको बता देती हूँ, यूट्यूब पर आप अगर आपको सर्च नहीं हो रहे हैं तो आप डायरेक्ट डाल सकते हो जोजस, ठीक है, जोजस स्टडी आप डाल देंगे यूट्यूब पर, हमारा चैनल जो है वो ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये जो है वो कर सकते हैं। और तो आज की क्लास में बस इतना ही है। जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात है, वो सुन के जरूर जाइएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही है, एक इम्पॉर्टेंट बात है वो सुन लीजिए फिर जाइए।